नमस्कार, मैं यारों का यार रवि यार। तो स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। आज हम जाएंगे कहाँ? मनेंद्रगढ़ के पास जो खोंगा पानी जंगल है उसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं। चलो दिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपके लिए सुबह उठ के आज हम जाएंगे कहाँ? चिलम डोंगरी। ये है खोंगा पानी के बीच जंगल में बहुत बड़ा मंदिर। आइए घूमते हैं, देखते हैं। आज हम सुबह जो उठे हैं इसी के कारण उठे हैं। गाइस, सुबह का जो मौसम था काफ़ी मज़ेदार था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया और ये सीन जो था काफ़ी मज़ेदार है और वीडियो आगे देखो मज़ा आने वाला है। गाइस, हमने काफ़ी अच्छे अच्छे जगहों को कैप्चर किया आपके लिए। हम आ गए हैं गाइस, ये नेशनल हाईवे है, राइट साइड पे कट रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा रोड है शहडोल जैसे एरियाज में जाता। इस तरह गाइस हम पगडंडी रास्ते पे आए हैं, देख सकते हैं आप फूफा जी हैं। देखो फूफा जी इधर एक बार। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए, हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वो हमारे 100 मीटर की दूरी पर हैं और जैसे ही हमने उसे देखा आप हैरान मान जाओगे। आज हम जंगल के बीच में जो आए हैं, हम बताए थे कि वहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्तियाँ हैं, बड़ी तगड़ी मूर्तियाँ हैं। हम तुरंत पहुँचे हैं और हम जैसे ही आपको दिखाएंगे ना, आपका भी दिल खुश हो जाएगा क्योंकि थोड़ा गड्ढे में जाना पड़ेगा। और आप वीडियो को पसंद कर रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और आगे दिखाते हैं पूरा गड्ढे के नीचे आते हैं। जय महादेव। गाइस, ये है वो शिवलिंग जिसकी बात हम कर रहे थे। ये भोलेनाथ का विशाल मंदिर बनने वाला था लेकिन किसी कारणवश ये मंदिर नहीं बन पाया। गाइस, ये देखो, ये है हमारे भोलेनाथ जी। यहाँ के व्यक्ति जो हैं वो बोलते हैं स्पेशल भोलेनाथ जी यहाँ प्रकट हुए थे। और इन जंगलों के बीच आप देख सकते हो पूरा खूंखार जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है इस प्लाट का। तो आप आओ घूमो, अच्छा लगेगा। भोलेनाथ जी शायद आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय महादेव। और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या माहौल है। हमारे फूफा जी बताते हैं कि यहाँ बहुत बड़े शेषनाग जी प्रकट हुए थे और इस बीला से घुस के आगे वाले 1 किलोमीटर दूर निकले थे। चलिए हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। जैसे ही शेषनाग जी उस बिल से बाहर निकले वैसे ही उनका शरीर आधा पत्थर का हो गया। वीडियो में बने रहे, हम आपको उसका भी दर्शन कराएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। जगह कैसा था आप बताना कमेंट्स पे। और हम इतना मेहनत करके आप लोगों को वो जगह दिखाए हैं, इसके लिए एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय महादेव। हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते गए, हमने देखा कि आगे और भी खूबसूरत नज़ारे हैं। हमने इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया और मज़े और नीचे जाना है, उस साइड जाना है, ओ दे उस साइड, वहाँ पे झंडा लगा है। और बताते हैं वहाँ से स्नान निकलते हैं, हमारे भोलेनाथ जी भी वहीं विराजमान हैं। और आइए दिखाते हैं, हमारे साथ ये भाई भी हैं। बता दो अपना नाम। राजकरण रवतिया नाम है भाई का। हमने जल्द ही वो जगह को खोज निकाला जहाँ शेषनाग जी आधा सिर उनका पत्थर का हो गया है। और हम आगे जा ही रहे हैं और जाते जाते दिखाते हैं, इतनी बेहतरीन जगह है ये। हमारा तो दिल खुश हो गया, पता नहीं आपका दिल खुश होता है कि नहीं। आइए और मजे लीजिए, बेहतरीन जगह है। गाइस, ये है शेषनाग जी के सर जो कि एकदम पत्थरों के बीच से नेचुरली तरीके से निकले हुए हैं। और एक शेषनाग नहीं, यहाँ 3-3 शेषनाग जो पत्थर के बन चुके हैं। गाँव वासियों का कहना है कि उन्हें किसी देवता के द्वारा श्राप दिया गया था कि तुम अगर यहाँ से निकलोगे तो पत्थर के हो जाओगे। आइए हम आगे और भी दिखाते हैं जो भोलेनाथ और शेषनाग दोनों साथ बने हुए हैं। और इन पहाड़ों के बीच आप नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं और वीडियो को लाइक करें। और हम और हमारे फूफा और हमारे साथी हम पहाड़ चढ़ के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनली गाइस, हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कि शिवलिंग इतनी बड़ी है कि खुद बाहुबली हीरो के प्रभास भी इस शिवलिंग को नहीं उठा सकते। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय महादेव।
हमारे साथ ये भाई भी हैं, जो भाई बहुत मेहनत की हमको यहाँ तक लाए, इस जगह को दिखाया। हमारे साथ फूफा जो हैं वो अभी पूजा कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आओ भक्तगण, यहाँ अच्छे अच्छे जगह हैं, लेकिन आप भूल जाओगे, किसी को गाइड करके लाना पड़ेगा।